अलैकुम, लाइफ विद माई रेसिपीज में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम फजल शुक्र के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो करते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट। आज मेरे किचन में बन रहा है वो हम बना रहे हैं मसालेदार भिंडी। मसालेदार भिंडी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है तो वो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ वन बाई वन। सबसे पहले 1 kg भिंडी है, इसको वॉश करके इस तरह पीसीस में कट कर लिया। उसके बाद अनियन है 1 kg, इसको भी बारीक कट कर लिया वॉश करके। उसके बाद हमारे पास टमाटर हैं, टमाटर जो हैं वो 1/2 kg हैं, उनको भी बारीक कट कर लिया है। उसके बाद हरी मिर्चें हैं हमारे पास 4 से 5 अदद थी, ये जिनमें से कुछ को हमने साबुत रखा है, कुछ को बारीक कट कर लिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कमियाँ ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दही है मेरे पास 1 प्याली, ये 1/2 पाव के करीब है, इसको अच्छे से फेंट लिया है। उसके बाद ड्राई मसाले हैं, ड्राई मसालों में मेरे पास लाल मिर्च है 2 टीस्पून, क्योंकि एक करारी सी भिंडी बनने वाली है हमारी। और लहसुन पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, अदरक पाउडर है 1 टीस्पून, सॉल्ट है 1.5 टीस्पून। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप 1/1 टीस्पून पेस्ट ऐड कर सकते हैं उसमें। उसके बाद भिंडी को फ्राई करने के लिए हमें चाहिए सारे ड्राई मसाले, उनको दही में मिक्स कर लेंगे अच्छे से हम। तो अच्छे से दही में हम मिक्स कर लेंगे। और जो घी या कुकिंग ऑयल हम यूज़ करेंगे वो आज की जो है हमारी रेसिपी इसमें ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि भिंडी को अच्छे से हमने फ्राई करना है। तो 1 से 1.5 पाव के करीब हम इसमें घी या कुकिंग ऑयल जो इजीली आपके पास अवेलेबल हो वो ऐड करेंगे। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ और घी ऐड करते हैं। कढ़ाई जो है इसको अच्छे से वॉश करके चूल्हे पर रख लिया। अब फ्लेम ऑन करते हैं, इसका पानी ड्राई होने देते हैं। देखें पानी जो है वो ड्राई हो गया। अब इसमें हम घी या कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ घी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल अवेलेबल है तो आप कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो ये चला जाएगा 1 से 1.5 पाव के करीब इसमें। तो ऐड करते हैं घी। तो देखें इसमें जो है घी ऐड कर दिया है, 1.5 पाव के करीब घी ऐड किया है। अब घी जैसे गर्म होता है तो हम इसमें, आप अगर मेजरमेंट आपके पास वेट के हिसाब से नहीं है तो आप 1.5 प्याली ऐड कर सकते हैं। अब इसको मेल्ट होने देते हैं, थोड़ा सा हीट अप हो जाए। तो इसमें भिंडी ऐड करेंगे और उसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। घी अच्छे से गर्म हो चुका, अब इसमें हम भिंडी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 1 kg भिंडी वॉश करके इसको ड्राई करके इस तरह पीसेस में कट कर लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है आज माशाल्लाह से, अल्लाह पाक की बहुत रहमत हुई है। तो इंजॉय करें आप भी मौसम को। तो भिंडी फ्राई हो रही है, जब तक इसका अच्छा सा कलर आने तक और अच्छी सी फ्राई, क्रिस्पी सी फ्राई करने तक इसको फ्राई करेंगे। हार्डली 4 से 5 मिनट्स में अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो मिलते हैं 4 से 5 मिनट के बाद। तो देखें भिंडी जो है हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छी फ्राई हो गई है। अब इसको निकाल लेते हैं किसी बर्तन में और बाकी प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं किसी बर्तन में निकाल लें। तो जी भिंडी हमने इसमें से निकाली। अब इसमें जो 1 kg बारीक कटा अनियन है वो ऐड करेंगे हम, और उसको भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो मसालेदार भिंडी है इसलिए हमें अनियन और टमाटर जो हैं वो ज़्यादा इसमें ऐड करने पड़ रहे हैं, ताकि अच्छा सा मसाला बन के रेडी हो। तो अब इसको भी फ्राई करते हैं, जब तक गोल्डन ब्राउन सा कलर आता है तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो मिलते हैं गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। तो देखें प्याज अच्छी सी हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब इसमें हम बाकी मसाले 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे और इसको भिंडी को बनाते जाएंगे। तो क्या इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। अब इसमें जो है हम दही में जो हमने सारे ड्राई मसाले मिक्स किए थे, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, लहसुन, अदरक का पाउडर है, वो ऐड कर देंगे। 1/2 पाव दही थी मेरे पास, यहाँ 1/2 प्याली आप ले लें। उसको अच्छे से बीट कर लिया था दही को हमने, और इसमें सारे ड्राई मसाले ऐड कर दिए थे। तो इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, तब तक हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। इसको तब तक भूनेंगे जब तक अच्छी सी खुशबू आए और मसाले से जो है घी सेपरेट होना शुरू हो जाए और अच्छा सा कलर आ जाए, तब तक इसको भूनेंगे। तो प्याज और मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे, जो 1/2 kg टमाटर हमने बारीक कट किए थे। 1/2 अब जाएंगे, 1/2 बाद में हम दम के टाइम इनको ऐड करेंगे। तो 1/2 टमाटर उनका सारा जो लिक्विड है वो हम ऐड कर देंगे इसमें। तो इनको भी अच्छे से भून लेंगे हम। थी हम कटी हुई हरी मिर्चें हैं जो वो 3 से 4 बारीक कटी हुई, वो भी ऐड कर देंगे और इनको भून लेंगे। जो साबुत मिर्चें और 1/2 टमाटर हमने बचाए इनको हम दम के टाइम ऐड करेंगे। तो अच्छे से भून लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है मसाला भिंडी, बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही आसान बनने वाली रेसिपी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी आज की रेसिपी और नेक्स्ट आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम जो फ्राई करके भिंडी हमने साइड में रखी थी वो ऐड कर देंगे और इसको फिर 2 से 3 मिनट के लिए भून के दम लगा देंगे।
तो जी इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हमने भून लिया अच्छे से। अब इसको दम लगा देंगे, जो हमने टमाटर बचाए थे वो और हरी मिर्चें उनको इसके ऊपर हम फैला देंगे अच्छे से एक लेयर लगा के, और दम लगाएंगे हम तकरीबन 8 से 10 मिनट का, जिसमें ये टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट होके इसमें मिक्स हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मसालेदार भिंडी बन के रेडी हो जाएगी। तो अब दम लगाते हैं और मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। कवर कर देंगे इसको अच्छे से, तो मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। तो जी 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं हमारा दम अच्छे से आ गया है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दम बहुत अच्छे से आ गया है और बहुत ही खूबसूरत सी मज़ेदार सी हमारी मसाला भिंडी बन के रेडी हो चुकी है। तो इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखा देती हूँ। तो मैं डिश आउट करती हूँ इसको, तो देखें इसको मैंने डिश आउट कर लिया, हमारी मज़ेदार सी मसाला भिंडी बन के रेडी हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।